हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी वैश्वीकरण, किस तरह से वर्ल्ड वाइड ट्रेड हुआ और सारे देश एक दूसरे देशों से जुड़े ट्रेड के द्वारा, सिल्क रूट के द्वारा, या किस तरह एक जगह से दूसरी जगह गए जॉब के लिए, किस तरह माइग्रेशन हुआ। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे। टुडे विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक कॉर्न लॉ एंड द इफेक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ क्या है, ये हम देखते हैं कि कॉर्न लॉ वो कानून है जिसके सहारे गवर्नमेंट ने जो मक्का था, मकई जो होती है, कॉर्न के इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया था। ठीक है, अब इसके बैन होने से क्या क्या इफेक्ट हुए, इसको अबॉलिश करने के क्या क्या इफेक्ट हुए, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स डू। इफेक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ हटाने के क्या इफेक्ट थे देखते हैं। फूड इंपोर्टेड एट मच चीपर रेट देन रिटेन गुड प्रोड्यूस। अब जब जो कॉर्न लॉ थे वो हटा दिए गए और मक्का का जो इंपोर्ट था वो उस पर बैन लगा दिया गया जो बाहर से आ रही थी, तो फूड जो था वो चीपर हो गया, बहुत ज्यादा अनाज सस्ते रेट में बिकने लगा और जो ब्रिटेन था वो इतने सस्ते रेट में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा, ब्रिटिश फार्म्स कुड नॉट कम्पीट विद चीपर इम्पोर्ट्स। और जो ब्रिटिश फार्म्स थे वो जो चीपर इम्पोर्टर्स थे, जो बाहर से जो सस्ता सामान आ रहा था उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसलिए वास्ट एरिया ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टीवेटेड। इसीलिए क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा एरिया अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया, यानी कि उस पर कोई खेती बाड़ी नहीं की गई। समझ रहे हैं ना क्यों, क्योंकि अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ हटाने से फूड के रेट चीप हो गए थे, सस्ते हो गए थे, जो कि ब्रिटेन उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था इतने सस्ते। उसके बाद जो ब्रिटिश फार्म्स थे वो एरिया जो था बहुत सारा अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। उसकी वजह से क्या हुआ, जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो बहुत संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया, यानी माइग्रेशन हो गया, वहां से जॉब के लिए दूसरी जगहों पर जाने लगे। मोर इम्पोर्ट्स, प्राइस फेल डाउन। अब हुआ क्या, जब बहुत ज्यादा इम्पोर्ट होने लगा तो प्राइजेस, जो कीमतें थी वो गिरने लगी, घटने लगी और डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑल्सो हेल्प। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी लोगों की इनकम बढ़ाने में क्या कर रहे थे, मदद करते थे, हेल्प करते थे, क्योंकि वो लोगों के लिए फैक्टर सेटअप करते थे और वहां से लोगों की इनकम होती थी और वो चीजों को खरीदने के काबिल होते थे। ठीक है, और टू फुलफिल द डिमांड्स लार्ज एरिया वाज क्लियर्ड इन ईस्टर्न पीपल। अब क्या हुआ कि इन डिमांड्स को पूरी करने के लिए जो ईस्टर्न लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया क्या कर दिया, क्लियर कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, यानी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, किस किस ने किया, अमेरिका, रशिया, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक बड़ा एरिया कल्टीवेशन के लिए तैयार किया। रेलवे ट्रैक पर लेट डाउन। अब रेलवे ट्रैक बिछाए गए, क्यों बिछाए गए, कि रेलवे ट्रैक के द्वारा जो अनाज है वो पोर्ट तक पहुंचाया जा सके, समुद्री तटों तक पहुंचाया जा सके, तो रेलवे ट्रैक लेट डाउन किए गए। अब लंडन एमर्ज एज न्यू फाइनेंशियल। अब क्या हुआ, अब जो लंडन था वो एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, सेंटर के रूप, आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा और वहां पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अमेरिका। अमेरिका में लेबर की शॉर्टेज हो गई क्योंकि दूसरे जगहों से लोग वहां पर जॉब के लिए, वर्क के लिए आने लगे। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में लेबर की कमी हो गई क्योंकि लेबर वहां से माइग्रेट कर रही थी। ठीक है, लार्ज स्केल माइग्रेशन नियर बाय। अब क्या हुआ कि लगभग 50 मिलियन जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए थे, एक जगह से चले गए थे, यूरोप से अमेरिका, यूरोप से अमेरिका लगभग 50 मिलियन लोग जा चुके थे। ठीक है, लार्ज स्केल माइग्रेशन नियर 50 मिलियन पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ड्यूरिंग 19वीं शताब्दी में। देन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें हम,
तो क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जो लोग माइग्रेट कर चुके थे वो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पे 1890s तक बहुत सारे लोग यानी 150 मिलियन लोग माइग्रेट कर चुके थे। तो इस प्रकार जो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, जो वैश्विक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वो इसमें हमने देखा कि किस तरह से ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हुई, लेबर मूवमेंट हुआ और कैपिटल फ्लो हुआ और टेक्निकल चेंजेस आए। ठीक है, तो कौन लोग के अबॉलिश होने से ये फर्क यहाँ पर पड़े थे। क्या क्या फर्क पड़े, फूड जो था वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुआ, सस्ता हो गया, डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश फार्म्स को खाली छोड़ना पड़ा क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, प्राइसेस डाउन हो गए और डिमांड्स बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद इन्हें फुलफिल करने के लिए लार्ज एरिया को क्लियर किया गया, ईस्टर्न यूरोप का, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया कल्टीवेशन के लिए तैयार किया गया, रेलवे ट्रैक बिछाए गए, पोर्ट तक वो सामान फूड पहुंचाया जाता था और लंदन जो था अब वो फाइनेंशियल सेंटर बन चुका था। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद जो शॉर्टेज ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लेबर की शॉर्टेज हुई, लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुआ। ठीक है, यूरोप से अमेरिका में 50 मिलियन हुआ और ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 मिलियन माइग्रेशन हुआ डिफरेंट प्लेसेस पर ड्यूरिंग 1890s तक। ठीक है, तो ये था हमारा द इफेक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। थैंक यू।